गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो, और आज डेट है 5 जून, यानी 5th जून। तो चलिए 5th जून के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को भी हम लोग कवर करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना ने किस देश से समुद्री डकैती को रोकने हेतु P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात किया है। तो किस देश से? यह है ओमान से। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने ओमान से जो समुद्री डकैत आते हैं उनको रोकने हेतु या उन पर निगरानी रखने हेतु P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात किया है। और ये क्या है? अदन की खाड़ी में। ये आपको खाड़ी का नाम याद रखना है, ठीक है? अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं से भारत परेशान है, ठीक है? इसी कारण से इसने क्या किया है, P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात किया है। कहाँ पे? तो अदन की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के विदेश मंत्रालय ने अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए वीजा आवेदन हेतु लोगों को अपने विवरण में सोशल मीडिया पर विवरण देने का प्रावधान किया है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है अमेरिका। तो नए नियमों के तहत अब आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम भी वहां पे इंक्लूड करना होगा, ठीक है? नाम और उसके 5 सालों के रिकॉर्ड की जानकारी जमा करवानी होगी। तो ये अमेरिका ने कुछ अद्भुत सा चीज किया, ठीक है? तो जो भी सोशल मीडिया में जहां पे भी वो एक्टिव है उस अकाउंट का नाम देना होगा और 5 साल का रिकॉर्ड देना होगा, ठीक है? साथ ही उसे अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी देना होगा। तो अमेरिका के गृह मंत्रालय द्वारा इन नियमों को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवादियों और अन्य खतरनाक लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने हाल ही में सामान्य प्राथमिकता प्रणाली यानी GSP के तहत किस देश के उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट आगे और जारी न रखने की घोषणा की है? तो यह है भारत। तो भारत को अमेरिका की तरफ से एक और झटका मिला है, ठीक है? GSP के तहत जो भी छूट मिलता था वो अब अमेरिका की तरफ से नहीं दिया जाएगा और इसने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के पहले संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई है? निपाह वायरस, निपाह वायरस पिछले वर्ष बहुत ही फेमस हुआ था और बहुत ही चर्चे में था, ठीक है? तो किस राज्य में पहले संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई है जो निपाह वायरस से है? तो वो है केरल। केरल में पहली बार निपा वायरस ने दस्तक फिर से दे दी है और एर्नाकुलम का रहने वाला 23 साल का एक व्यक्ति जो पुणे वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, ठीक है? तो कहाँ का ये है? एर्नाकुलम का है और इसमें लगभग 86 और मरीज हैं जिनको संदिग्ध रूप से निगरानी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वेबसाइट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के शीर्ष 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 8 शहर शामिल हैं? तो ये किसने ऐसा एक सर्वेक्षण जारी किया है? ये कौन सा वेबसाइट है? ये है eldorado.com, eldorado.com। तो मौसम निगरानी वेबसाइट है eldorado.com। इसके अनुसार पिछले 24 घंटों में दुनिया के 15 सबसे गर्म जगहों में से 8 जगह जो है वह है भारत का, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी के जंगलों में करीब कितने प्रतिशत रॉक पेंटिंग्स मानवीय हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो रही है? यह है ऑलमोस्ट 40%। तो नीलगिरी के जंगलों में जो रॉक पेंटिंग्स हैं, ठीक है, शैल चित्र हैं, वो सब मानवीय हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो रही हैं और इनकी संख्या लगभग 40% से भी अधिक है, ठीक है? और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी हिल्स में जो ये रॉक पेंटिंग्स हैं इसके उत्तराधिकारी कौन है, यानी इसका रक्षा कौन कर रहा है, कौन सा आदिवासी समूह कर रहा है? इरुला, ठीक है? तो आपको देखो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इरुला जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो इरुला जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और इन्हीं का ये काम है इसकी रक्षा करना। यानी आप जानते हो कि जंगल में जो भी चीज़ें हैं, पुरातन चीज़ें हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ इन लोगों का क्लू छिपा हुआ होता है और ये लोग उस चीज़ को या तो भगवान मानते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी हो वो इनका अपना प्रोपगेंडा है, ठीक है? तो इरुला जनजाति जो है, इरुला जनजाति इसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं, जो भी ये रॉक पेंटिंग्स वगैरह जो भी हैं। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण, जैसे स्पेशली अगर बात करें तो ट्रैक्टर वगैरह या और भी जो भी व्हीकल्स वगैरह हैं वो सब के जाने आने के कारण
ये जो पेंटिंग्स है ये नुकसानदेह हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोर कुमार की पहली पत्नी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो किशोर कुमार की ये पहली पत्नी थी रूमा गुहा। क्या नाम था इनका? रूमा गुहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, और इनका एज कितना था? ये एज था ऑलमोस्ट 84 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश के न्यू मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ था। जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की आशा कर्मियों का वेतन 3,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो यह है 10,000। तो जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने आशा कर्मियों का वेतन 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को मेक्सिको का विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया है? तो यह है प्रतिभा पाटिल को। किसको दिया गया? प्रतिभा पाटिल को। प्रतिभा पाटिल को मेक्सिको के विदेशी नागरिकों के कैटेगरी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया है। ठीक है, और प्रतिभा पाटिल आप जानते हो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। तो आपको उस अवार्ड का नाम याद रखना है जो मेक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द एजेक ईगल, एजटेक ईगल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल, ये आप नाम रखना है, नाम याद रखना। ठीक है, मेक्सिको के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल, ये दिया गया है प्रतिभा पाटिल को 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि इटली के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें हाल ही में ज्वालामुखी फट पड़ा है? तो वह है माउंट एटना। माउंट एटना में अभी हाल ही में फिर से इरप्शन होना चालू हो गया है। ठीक है, और ये कहाँ का एक ज्वालामुखी पर्वत है? यह है इटली का। नाम क्या है इसका? माउंट एटना। अगला क्वेश्चन है कि जून 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन करने के बाद कौन सी भाषा अनिवार्य नहीं है? तो ऑप्शन देख के आप उन लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कौन सा भाषा हो सकता है जो अब अनिवार्य नहीं है और पहले अनिवार्य था हर जगह। तो यह है हिंदी। तो हिंदी भाषा की अनिवार्यता को खत्म करने की सिफारिश की गई है जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में संशोधन इसमें किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके तहत। अगला क्वेश्चन है कि यूएई में पहला गोल्ड कार्ड पाने वाले भारतीय बिजनेसमैन टाइकून का नाम क्या है? तो गोल्ड कार्ड, कहाँ का गोल्ड कार्ड मिला है? यह है यूएई में। तो यूएई में गोल्ड कार्ड प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय बिजनेसमैन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूसुफ अली। क्या नाम है? यूसुफ अली। ठीक है, यूसुफ अली नाम है जिसने पहली बार यूएई में गोल्ड कार्ड प्राप्त किया है। और ये गोल्ड कार्ड किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये गोल्ड कार्ड वहाँ के जो निवासी हैं उनको ये दिया जाता है, वहाँ के निवास कार्ड से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद के इलाज का आविष्कार किसने किया? मोतियाबिंद के इलाज का आविष्कार किसने किया है? ये किया गया है डॉक्टर पेट्रिसिया बाथ के द्वारा। अभी क्यों चर्चे में? क्योंकि डॉक्टर पेट्रिसिया का अभी निधन हो गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि डॉक्टर पेट्रिसिया ने क्या किया है, मोतियाबिंद के इलाज का आविष्कार किया है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2019 में दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। तो 2019 में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन के तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूर संचार विभाग का नया दूर संचार मंत्री कौन है? तो हमारा नया दूर संचार मंत्री कौन है? यह है रविशंकर प्रसाद। तो भारत के नए दूर संचार मंत्री कौन है? यह है रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 मई को। मैंने आपको बताया हुआ था कि 11 मई को 1998 में इसी दिन जो पोखरण परीक्षण है वो किया गया था। ठीक है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 21 मई को। नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को।
और अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, तो मई में तीन डेट आज आपने पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा टेक्नोलॉजी डे, ठीक है, टेक्नोलॉजी डे, ये है 11 मई। फिर आपने 21 मई पढ़ा, 21 मई को क्या था? 21 मई को हम लोगों ने अभी पढ़ा, 21 मई को है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये था 31 मई को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है अब आपका जनजाति, और आज के जनजाति में से पहला जनजाति है पपुआंस जनजाति। कहाँ पाया जाता है? पपुआंस जनजाति, पपुआंस जनजाति। तो आपको नाम से क्लियर थोड़ा हो रहा होगा, अगर आप जानते हो एक देश का पूरा नाम तो यह है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी, वहां से आप इसको लेट कर सकते हो। पपुआंस जनजाति कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है न्यू गिनी में। और अगला जनजाति है बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति या बदावी जनजाति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बदावी जनजाति, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अरब में। ठीक है, तो दो जनजाति आपने आज देखा। पहला तो आपके लिए इजी था, पपुआंस, ये न्यू गिनी में पाया जाता है। और बद्दू जनजाति आपका दूसरा था, ये पाया जाता है अरब में। ठीक है, और अब है जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, उसका सही आंसर, है दक्षिण अफ्रीका। मैंने पूछा था इकांथा कहाँ का जनजाति है, इनकाथा कहाँ का जनजाति है, तो इनकाथा दक्षिण अफ्रीका का जनजाति है। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आपको कमेंट में आंसर करने हैं, वो ये है कि जेम्स मॉर्गे को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ भी है कि जेम्स मॉर्गे को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, ये आप कमेंट में आंसर करके बताओ। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के समय बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।